अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। संजय, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो। डोंट वरी पायल, कुछ नहीं होगा, तुम आराम से घर जाओ। ठीक है, देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। अब पायल, हाँ, तुम्हारी दवाई रह गई। थैंक्स। इतना अंधेरा क्यों है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पायल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, थैंक यू, बहुत प्यारा ये। वैसे मुझे लगा था कि किसी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। ऐसे कैसे याद नहीं होगा? वैसे ये सरप्राइज किसने प्लान किया था? बहू, ये सरप्राइज का आइडिया ना तुम्हारे पति का ही था। अच्छा, हाँ, घर में खाली बैठे बैठे और करेंगे भी क्या। पायल, तुम कहाँ रह गई थी? हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। सॉरी, वो स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया था, इसलिए देर हो गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आओ केक कट करते। भाभी, वैसे आप इतना काम मत कीजिए, नहीं तो कमजोर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ज्यादा लेट मत करो, जल्दी से केक कट करो, वरना मैं खुद ही कट कर लूंगी। चल चल, अभी कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पायल, Happy birthday to you. माजी, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? पहले अपने पति को खिलाओ। माजी, ये सारी तैयारियां उसी ने की है, इसलिए पहला हक उसी का बनता है। भाभी, मेरी तरफ से आपके जन्मदिन पर यह छोटा सा तोहफा लीजिए। नहीं बिनु जी, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे, आज बर्थडे है आपका, आज तो गिफ्ट बनता ही है, क्यों रवि? हाँ, ठीक तो कह रहा है, ले लो ना, कितना प्यार से लाया है ये विनोद। रवि, मैंने कहा ना कि मुझे विनोद जी का गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओफो, माँ जी आप ही समझाइए ना भाभी को, हमारी तो ये बात ही नहीं मान रही है। बहू, ले लो ना, कितने मन से लाया तुम्हारे लिए। जी लीजिए। चलो ना, खाना खाते हैं। बहू, हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। जी माँ जी, मैंने ही निकी को मना किया था कि वो कुछ ना बनाए, बाहर से खाना मंगवाया, अभी आता ही होगा। रवि, डिलीवरी बॉय ही होगा, तुम खाना ले लो। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक्स सर। पेमेंट, पायल ने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया क्या? नहीं सर। ठीक है, बिल लाइए। सर एक मिनट। मैं एक मिनट में अंदर जाकर पैसे लाता हूं। ओके सर।
क्या है? एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि खाने का बिल 7,000 रुपए हो जाए। अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं, प्लीज पेमेंट कर दो। अभी तुम पागल हो क्या? अरे कब तक छोटे मोटे खर्चों के लिए मुझ पर डिपेंड रहोगे? और प्लीज आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो मेरी पेमेंट कर ही सकते थे ना तुम। अरे हाथ फैलाने की आदत हो गई है तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है पायल, एक्चुअली मैं एटीएम नहीं जा पाया था इसलिए पैसे नहीं निकाले। अच्छा बहाना है ये, भूल गया, कभी तो एक जिम्मेदार पति का फर्ज निभाओ। I'm really sorry. मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। कितने हुआ? सर 7,000। ये ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ओके सर, लीजिए, हो गई। थैंक्स सर। थैंक यू। ओके। सो रिडिकुलस। डोंट वरी भाभी, मैंने पेमेंट कर दी है। क्या? आपने पेमेंट क्यों कर दी? हाँ, तुमने क्यों कर दिया पेमेंट विनोद? पेमेंट तुमने की मैंने की क्या फर्क पड़ता है यार, एक ही बात है। एक सेकंड ना, एक ही बात नहीं है। और अभी मेरे पास उतने कैश नहीं है, मैं आपको कल सारे पैसे लौटा दूंगी। इट्स ओके भाभी, इसे भी आप मेरी तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट समझ लीजिए। बहू खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है, चलो चलो रवि। अच्छा रवि, तुम्हारा वो प्रोजेक्ट वाला काम कहाँ तक पहुँचा? हाँ वही जो तुम नया बिजनेस शुरू करने वाले थे। अच्छा अच्छा, याद आया, वो एक्चुअली मेरी कुछ इन्वेस्टर से बात चल रही है, तो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बिजनेस के आइडियाज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। वेरी नाइस, इसके बाद तुम भी भाभी की तरह खूब पैसे कमाओगे। हाँ, 2 साल से काफी पैसे कमा रही है। जेब में पैसे नहीं और चले बिजनेस शुरू करना। क्या पाए, रोज रोज रूडली बिहेव करना जरूरी है क्या? कम से कम आज तो शांत रह सकती हो। शांत रहने की वजह मिले तब ना। I'm sorry, शायद मुझे ये टॉपिक बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। अरे नहीं विनोद, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ, आप लोग खाइए। लाइट्स को क्या हो गया अचानक? निकी जरा देखता रहा। हाँ देख। मैं मेन स्विच देख कर आता हूँ। रवि एक मिनट, तुमने पक्का बिजली का बिल पे कर दिया था? मैं तो भूल ही गया। एक्चुअली वो बिजनेस के सिलसिले में इतना बिजी हो गया था कि दिमाग से निकल ही गया कि बिजली का बिल भी भरना है। रवि, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो यार? हर चीज भूल जाते हो तुम। छोटा सा काम नहीं कर सकते घर पर रहकर? वो एक्चुअली मैं सच कह रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में भूल गया था। शट अप यार, बिजनेस सुनकर थक चुकी हूँ मैं। आई प्रॉमिस यू पायल, मैं कल बिजली का बिल भर दूंगा। शट अप रवि, प्लीज शट अप। बर्थडे आज मेरा, और आज भी तुमने कोई काम ढंग से नहीं किया। हर दिन की तरह मेरा आज का भी दिन तुमने बर्बाद कर दिया। जाकर थोड़ी हवा लेकर आती हूँ। रवि,
रवि, अरे उठ भी जा। क्या हुआ माँ? तू आज सोफे पे क्यों सोया हुआ है? आपको तो पता है ना माँ, पायल रात में कितना गुस्सा थी। मुझे लगा उसके पास जाऊंगा सोने तो फिर से गुस्सा ना हो जाए, इसलिए सोफे पे सो गया। रवि, किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, ये तो आम बात है। अच्छा सुन, वो सोई होगी, उसे उठा दे, स्कूल भी तो जाना है उसे। छोड़ो भी ना माँ, हमका फिर गुस्सा हो जाएगी, क्यों अपना दिन खराब करूं। रवि, मैंने कहा ना, जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। रवि, हो सके तो एक बार फिर से माफी मांग लेना उससे। ठीक। पायल, पायल, पायल कहाँ चली गई? इतनी सुबह पायल कहाँ चली गई? माँ, माँ पायल अपने कमरे में नहीं। मैं कमरे में नहीं, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है वो? अरे निकिता, तूने पायल को देखा है क्या? वो अपने कमरे में नहीं? नहीं जीजू, मैंने तो नहीं देखा दी को। क्यों, क्या हुआ? पायल अपने कमरे में नहीं तो फिर गई कहाँ? ये तो पॉइजन है। आप में से किसने कॉल किया था हमें? हाँ सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। क्या आप जानते रहे? नहीं साहब, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। क्या आप में से कोई इनकी पहचान करवा सकता है? हाँ साहब, मैं जानता हूँ इन्हें। साहब, ये पायल जी हैं, पास के स्कूल में एक टीचर हैं, मेरी बहन भी इन्हीं की स्कूल में पढ़ती है। हवलदार, तुम इनकी फैमिली से कॉन्टेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सर, हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं सर। आने दो। पायल, पायल ये कैसे हो गया? पायल, तुम मुझे ऐसा छोड़ के मुझे नहीं जा सकते। विनोद, विनोद बोलो ना पायल को कुछ बोलने के लिए। पायल, मुझ पे चिल्लाओ ना। पायल, तुम मुझे डांटो। पायल, मुझे डांटो ना पायल, प्लीज, मैं बुरा नहीं मानूंगा, कुछ तो बोलो। रवि, हिम्मत रखो। क्या आप इनकी फैमिली से? नहीं सर। सर, मैं रवि का फ्रेंड हूँ और रवि पायल का हस्बैंड है और वो निकिता है, पायल की सिस्टर। ठीक है, आप फिलहाल हमें इनके घर पे लेके चलिए, हमें तलाशी लेंगे। श्योर सर। गुप्ता जी, एम्बुलेंस बुलाई। जी सर। चलिए। माता जी, आज सुबह या कल रात को घर में कुछ ऐसा हुआ था, तो पायल जी का किसी से झगड़ा हुआ हो या किसी से नाराज हो गई हो? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल कल पायल का बर्थडे था, वो बहुत खुश थी और हम सब भी बहुत खुश थे उसके साथ। बाद में पायल वो बिल न भरवाने की वजह से रवि से थोड़ा नाराज जरूर हुई थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि झगड़ा ही हो जाए।
माता जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि बर्थडे पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ था? एक मिनट इंस्पेक्टर, ये लीजिए। कल के बर्थडे पार्टी में जो जो भी लोग थे उनके वीडियोज और फोटो है इसमें। सॉरी मिस्टर रवि, पर आपको और निकिता जी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, पायल की मौत से निकिता गहरे सदमे में चली गई। अभी वो इस हालात में नहीं है कि वो पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन जा सके। ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, बाद में ये ठीक हो जाएंगी तो इसे घर आके पूछताछ कर लेंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ तो मिस्टर रवि, शुरू से बताइए, आपका और मिस पायल का रिलेशन कैसा था? क्या आपके बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे? सर, हमारा रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, ऑलमोस्ट 2 साल पहले मेरी जॉब चली गई थी, जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली कमजोर हो गया था सर। घर का पूरा खर्चा पायल चला रही थी। यूं कहें कि मैं और मेरी फैमिली पूरी तरह से पायल पे डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से पायल के बिहेवियर में दिन प्रतिदिन बदलाव आने लगा था। और जब कभी खर्चे की बात आ जाए, पायल मुझे डोमिनेट करती थी। और अभी कुछ ही दिन पहले हम दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ था सर। हुए, क्या बात है? पीछे हटो, मुझे लेट हो रहा है। इतनी जल्दी भी क्या है पायल, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी तो गुजार जाए करो। वैसे एक बात बोलूं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। देखो रवि, टाइम मत वेस्ट करो, और तुम पर ये ड्रामेबाजी बिल्कुल सूट नहीं करती, इसलिए जो भी काम है वो बताओ। काम? कैसा काम? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यही तुम्हारे पास चलाया। अच्छा, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब भी तुम्हें कोई काम निकालना होता ना, तुम्हारी ये नौटंकी बाहर आती है, तब तुम्हारा ये प्यार बाहर निकलता है। इसलिए मेरा टाइम मत वेस्ट करो और मुझे बताओ कि क्या काम है। अच्छा जी, कितना जानते हैं आप मुझे? क्या काम है वो बताओ। पायल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे एक इन्वेस्टर भी मिल गया, लेकिन अहम मौके पे वो इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। तो उसमें मैं क्या करूं? तो मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत थी, तो मुझे लगा तुम कुछ मदद कर दे। लगा ही था मुझे कि तुम्हें फिर से पैसे चाहिए। प्लीज पायल, प्लीज। कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 5 लाख रुपए। क्या 5 लाख? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? 5,000 रुपए कमा नहीं सकते, 5 लाख रुपए चाहिए। पायल, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, बस एक आखिरी मदद चाहिए तुमसे, प्लीज। रवि, तुम जो ये 5 लाख मांग रहे हो ना, वो मेरी कुछ महीनों की नहीं, कई सालों की कमाई है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं? डोंट वरी पायल, मैं ये पैसे गलत जगह पे इस्तेमाल करने के लिए नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, मैं अपने बिजनेस में लगाने वाला हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ओहो, बिजनेस करना चाहते हो तुम? तुम जानते भी हो बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है, और तुम जैसा लापरवाह इंसान जो भी बिजनेस करे ना, एक चीज तो श्योर है कि पैसा और बिजनेस दोनों ठप हो जाएगा। इसलिए प्लीज कोई जॉब कर लो। बस भाई, बहुत हो गया। तुम्हें पता है ना, मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जॉब छोड़ी, और तुम चाहती हो दोबारा मैं जॉब शुरू कर दूं। बस एक आखिरी मदद चाहिए तुमसे, और कुछ नहीं। ओह गॉड, अब तो इस घर में रहना भी मुश्किल हो गया। 500 रुपए जेब में नहीं है, 5 लाख रुपए चाहिए। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, मैं ना अपने पैसों का इंतजाम खुद कर लूंगा, नहीं चाहिए तुम्हारा कोई ऐसा। हाँ हाँ, कर लेना सपनों में। रवि, तुमसे कितनी बार कहा है कि बहू को नाराज मत करो, जब
से तुमने जॉब छोड़ी है उसी ने तो घर को संभाल रखा है। हाँ माँ, पर मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, पर रवि कोशिश करने से घर का चूल्हा नहीं जलता है और ना ही घर में राशन भरा जा सकता है। समझने की कोशिश करो, तुम उसकी बात को समझो। लो उसे टिफिन दिया। परमा, रवि मैंने कहा ना, छाओ दिया उसे। क्या आपने कभी पायल के ऊपर हाथ उठाया? पायल, ये 1.5 लाख रुपए तुमने किसे ट्रांसफर किए? तुम्हें उससे क्या? मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी दूं? मैं बस पूछ रहा हूं, तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, बता तो सकती हो ना तुम? देखो रवि, मैं ना तुम्हें ये बताना बिल्कुल जरूरी नहीं समझती, और जिस दिन तुम मेरे खर्चे उठाने लगोगे ना पैसे कमाकर, उस दिन बेशक तुम उसी हिसाब मांग लेना, ओके? है ना पायल, मैं तुम्हारा पति हूं, कोई राज चलता अजनबी नहीं। मुझे यह जानने का पूरा हक है कि तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। हम चुपचाप बताओ, आखिर तुमने इतनी बड़ी रकम किसे दी और क्यों दिया? वरना 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 क्या कर लोगे तुम? हाँ बोलो, और ये मत भूलो कि तुम मुझे नहीं पाल रहे हो बल्कि मैं तुम्हें पाल रही हूँ। और ये जो हक की तुम बात कर रहे हो ना, ये हक तुम उसी दिन खो चुके थे जिस दिन तुमने जॉब छोड़ी थी और घर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ने लगे थे। पायल, सर ठीक है मिस्टर रवि, आप अभी जा सकते हैं, अगर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको दोबारा बुलाएंगे। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सर। हाँ तो मिस्टर विनोद, ये बताइए कि आपका मिस्टर रवि की फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है? सर मैं और रवि बचपन से दोस्त रहे हैं, पर कुछ सालों पहले मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था। अभी हाल ही में लखनऊ में यहाँ मेरा एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, बस उसी के सिलसिले में मैं यहाँ लखनऊ में रवि के घर पर ही रह रहा था। अरे विनोद, सरप्राइज मेरे यार, अचानक इतने दिनों के बाद? इतने दिनों के बाद कहाँ, अभी 6 महीने पहले तो मिले थे। अरे वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता यार। हाँ ये बात तो सही कही। अब खैर छोड़, आजा और बता क्या चल रहा है सब कुछ? बस सब वेल। पायल नाश्ता रेडी हुआ क्या? हाँ बस ला रही हूँ। अरे वाह, मतलब एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी है मैंने, बहुत जोरों की भूख लगी है यार। अरे विनोद जी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज अचानक? सोचा कि आप दोनों को सरप्राइज दिया जाए। एक्चुअली यहीं लखनऊ में मेरा एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है कुछ हफ्तों के लिए, तो बस कुछ दिनों के लिए यही हूँ। वैसे पिछले टाइम से आपने काफी वेट लूज कर लिया है, बहुत फिट लग रहे हो आप। वो इसीलिए क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मेरा फिट और हेल्दी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई पेशेंट आएगा ही नहीं मेरे पास, बस इसीलिए जिम ज्वाइन कर लिया। अच्छा किया। अरे बस भी करो, बातें ही करते रहोगे या नाश्ता भी करोगे? नाश्ता ठंडा हो रहा है। बैठिए बैठिए, की लीजिए गर्मा गर्म समोसे। बस सर यही रिलेशन रहा है मेरा रवि की फैमिली के साथ। ठीक है अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे। जी, और हाँ जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। ऑफ कोर्स सर, थैंक यू। गुप्ता जी। यस सर।
गुप्ता जी, मुझे पायल की सारी कॉल डिटेल्स और बैंक डिटेल्स चाहिए। और पता करो कि आसपास के एरिया में जितनी भी सीसीटीवी कैमरास हैं, उनकी फुटेज चाहिए। जी सर। और हाँ, मुझे लगता है कि मैं पायल की बहन से मिलना पड़ेगा। क्या पता शायद कोई नया एंगल मिल जाए। निकिता जी, पायल से जुड़ी कोई बात जो आपको अजीब लग रही हो? हाँ, एक बात है तो सही। दीदी और जीजू के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। हमेशा उसके सामने दीदी जीजू की बेइज्जती करती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सबको लगता था कि जीजू के अनएम्प्लॉयड होने की वजह से दी उनसे झगड़ती रहती है। लेकिन लेकिन क्या? देखिए निकिता जी, जो भी बात है साफ से बताइए। वो एक्चुअली इस बारे में घर में किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन दीदी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। व्हाट? अफेयर? जी हाँ। शाम को ही तो मिले थे हम, फिर भी तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि क्या बताओ। हाँ पता है मुझे, तुम्हारे बिना मेरा दिल भी तो नहीं लगता। मन करता है कि तुम्हें गले लगा कर दिन भर आई लव यू कहती रहो। मैं बाद में कॉल करती हूँ। दी, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी लेने आई। गुड नाइट। और इसके अलावा और कुछ? हाँ, अगले दिन मुझे एक ऑनलाइन फॉर्म भरना था, तो मैंने वाईफाई यूज करने के लिए दीदी के कमरे से उनका फोन लिया। मुझे उनका पासवर्ड पता था, पर जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला और नेट ऑन किया तो काफी सारे मैसेजेस आने लगे, और मैंने गलती से उनकी चैट पढ़ ली। क्या था उन चैट्स में? दीदी और उनके बीच काफी रोमांटिक चैट थे, और उन दोनों ने अपनी प्राइवेट पिक्चर्स भी शेयर की थी। क्या आप उन्हें जानती हो? कौन है? जीजू के फ्रेंड मिस्टर विनोद। क्या तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? उसके बाद भी मैंने उन दोनों को कई बार साथ में बात करते हुए देखा, और एक बार तो थैंक यू निकिता जी, आपकी जानकारी हमारे लिए बहुत काम आएगी और हमें आपकी आगे भी मदद लग सकती है। थैंक यू वंस अगेन। आपने बुलाया इंस्पेक्टर? अरे आइए आइए मिस्टर विनोद, आइए बैठिए। थैंक यू। आपका ही इंतजार था। जी कहिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? मिस्टर विनोद, आप हमें कब बताने वाले थे कि आपका मिसेस पायल के साथ अफेयर चल रहा था? सर ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या ऐसे ही आपके मोबाइल से वो रोमांटिक मैसेज चले गए थे? और क्या ऐसे ही आप देर रात तक उनके कमरे में पहुंच गए थे? हाँ सॉरी सर, वो मेरे और पायल के बीच में वो सब काफी पहले खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। खत्म हो गया से मतलब? मुझे लगा कि मेरे और पायल के बीच में इतना कुछ हो गया है। पायल मुझे मैसेज किया करती थी, मुझे लगा कि पायल भी मुझे पसंद करती है। फिर एक दिन मौका पाकर जब मैं उसके करीब गया तो उसने बहुत अजीब सा बिहेव किया। How dare you? और मुझे थप्पड़ मार दिया, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो।
पर शायद मैं गलत सोच रहा था। इसके बाद मैं पायल से बिना कुछ कहे वहां से चला गया था। सर, मिस्टर विनोद आप जा सकते हैं। जी थैंक यू। सर, इस एक नंबर पे पायल की रोज दो दो घंटा बात हुआ करते थे। ये नंबर किसका है? ये किसी संजय मिश्रा का नंबर है सर। संजय मिश्रा? केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। अगर पायल का अफेयर विनोद के साथ था तो ये संजय मिश्रा कौन है जिससे वो घंटों बातें किया करती थी? मतलब एक के साथ मैसेज और दूसरे के साथ फोन कॉल्स, ये डबल क्रॉस तो नहीं कर रही थी? सर आजकल ये सब नॉर्मल है। नहीं नहीं, नहीं। उसके घर पे जीता जागता पति होने के बावजूद भी उसके दो दो अफेयर्स थे, ये तो मैं नॉर्मल लगता है। सर ये तो संजय से मिलकर ही पता लग पाएगा, उसका एड्रेस निकाल लिया, पास में ही रहता है। अच्छा तो फिर चलो। जी सर। सर यही है संजय मिश्रा का घर। चलिए। मिस्टर संजय मिश्रा। जी। हाँ तो मिस्टर संजय मिश्रा, आपने तो मिसेस पायल की डेथ की खबर सुनी होगी, आपकी तो माशुका थी ना वो। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मिस्टर संजय मिश्रा, हमारे पास आपकी और मिसेस पायल की पूरी कॉल डिटेल है, तो हमें गुमराह करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे। ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो फिर जल्दी से बताइए। सर पिछले 6 महीने से मेरा और पायल का अफेयर चल रहा है। मेरी बेटी की स्कूल टीचर थी पायल, तो हमारी पहली बार मुलाकात भी स्कूल में ही हुई थी। दरअसल हम अक्सर मिला करते थे स्कूल में, और धीरे धीरे हमारे बीच में नज़दीकियाँ भी आ गई, और मैं अक्सर उसको घर ड्रॉप करने भी जाता था। अच्छा मिस्टर संजय ये बताइए कि मिसेस पायल के साथ किसी की दुश्मनी या कोई अनबन, या तुमको कुछ अजीब लगा हो उस पर? नहीं सर, ऐसा तो कभी कुछ नहीं बताया। हाँ लेकिन वो अपने हस्बैंड रवि से काफ़ी परेशान रहते थे। सर पायल की बैंक डिटेल्स आ गई है। पायल ने कुछ वक्त पहले किसी लॉयर के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन की थी। क्या 1.5 लाख? यस सर। ये क्या माजरा है? अचानक इस केस के चक्कर में और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। चलो उस वकील के ऑफिस में होके आते हैं। थैंक यू मिस्टर संजय। जी वकील साहब, आप केस तो जान ही चुके हैं, तो आप ये बताइए कि पायल जी ने आपको 1.5 लाख रुपए क्यों दिए थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी फीस थी। फीस? कैसी फीस? बेसिकली पायल अपने हस्बैंड रवि से डिवोर्स लेना चाहती थी, और इसके लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग केस बनवाना चाहती थी, जिसके लिए उसने मुझे मेरे फीस के रूप में एडवांस 1.5 लाख रुपए दिए थे। एक मिनट, पायल रवि को डाइवोर्स देना चाहती थी? जी। शायद ये देख के आपको कुछ समझ में आए कि वो रवि को डिवोर्स क्यों देना चाहती थी। और एक बात और, पिछले हफ्ते पायल मिस्टर संजय मिश्रा के साथ मेरे ऑफिस में आई, और पायल ने बताया कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सर पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। तुम्हारा अपने ही जीजू के साथ अफेयर चल रहा था,
और तुमने हमसे बात छुपा कर रखी। तो आगे की कहानी आप खुद बताएंगी या मैं लेडी हवलदार को बोल के आपसे उगलवाऊं? नहीं नहीं सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। निकिता, आखिर तुम्हारी ये बहन समझती क्या अपने आप को? जब देखो जब नया ड्रामा शुरू कर देती दंग आ गया हूं मैं सबसे। डोंट वरी बेबी, मैं अपनी प्यारी बहन का परमानेंट इलाज करने वाली। तो ये था तुम्हारा परमानेंट इलाज पायल की जान लेना? नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी बहन की जान लेने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तो फिर तुमने ये क्या किया? अगर पायल का अफेयर संजय के साथ था तो फिर तुमने पायल और विनोद की कहानियां में झूठी क्यों सुनाई? क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मैं दी और विनोद का अफेयर साबित कर दूं तो रवि आसानी से दी से डिवोर्स ले पाएगा और फिर हम दोनों शादी कर पाएंगे। तो मैंने छुप छुप के दी के नंबर से विनोद को मैसेज करने शुरू किए और इंटरनेट से कुछ फेक फोटोज एडिट कर विनोद को भेजना शुरू किया, जिससे विनोद को ये लगने लगा कि दी उसे पसंद करती है। और फाइनली एक दिन मैं दी के दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर विनोद को उनके कमरे पर बुला लिया और विनोद बिना सच जाने दी के साथ रोमांस करने लगा। मैंने उन दोनों की वीडियो निकाल ली। तुम्हारी जैसी बहन हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत? अरे शर्म आनी चाहिए तुम ऐसी घिनौनी हरकत करने पर। सर, इन्हें बाहर लेके जाओ। हाँ बोलो। सर, ये पायल की उन दवाइयों की रिपोर्ट है जिन्हें वो घबराहट और लो फील करने पे लेती थी और उस पॉइजन की जांच रिपोर्ट है जिससे उसकी मौत हुई थी। लगता है पायल की दवाई को जानबूझकर किसी ने बदला है। अच्छा, तो ये माजरा है। डॉक्टर साहब, आप खुद बताएंगे या हम आपकी व्यवस्था करने का इंतजाम करें? नहीं सर, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ आपको। दरअसल मुझे पायल से उस थप्पड़ का बदला लेना था, इसीलिए पायल के बर्थडे के दिन मैंने। अच्छा बाबा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, आप लोग खाइए। लाइट्स को क्या हो गया अचानक? निकी जरा देखता रहा। मैं वॉशरूम के बहाने से पायल के कमरे में गया और वहाँ उसके एंग्जाइटी पिल्स बदल दिए। मुझे पता था कि पायल को एंग्जाइटी प्रॉब्लम है तो वो ये पिल ज़रूर खाएगी। जाकर थोड़ी हवा लेकर आती हूँ। जैसे ही पायल हवा लेने के लिए घर के बाहर आई तो बेहोश हो गई। मुझे पता था कि इस दवाई का असर कुछ घंटों में हो जाएगा और पायल की मौत हो जाएगी। फिर मैंने उसे उठाकर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया ताकि पुलिस मुझ पर शक न करे। तुझे क्या लगा था तू कानून से बचकर निकल जाएगा? सच जाने बिना तूने उस मासूम की जान ले ली। अरे कम से कम पता तो कर लेता कि सच में वो पायल ने मैसेज किए थे भी कि नहीं। मतलब कौन सा सच? और आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मैसेज पायल ने नहीं किए थे? और अगर पायल ने नहीं किए थे तो फिर किसने किए थे? निकिता जी, अब इन्हें जरा बताइए कि सच क्या है। विनोद, वो मैसेजेस
गलती ने नहीं, मैंने ही किया था। मैंने ऐसे सिचुएशन बनाया था कि तुम्हें लगे कि दी तुम्हें पसंद करती है। क्या निकिता, ये तुम क्या कह रही हो? मतलब वो चैट पायल नहीं तुम करती थी? हाँ। तुम पागल हो गई हो, क्या बोले जा रही हो? रवि, तुम्हें पाने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अब आप इन्हें पूरी वजह बताएं कि आपने ये क्यों किया। रवि और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और ती रास्ते का कांटा बन रही थी। थी तो सीधे वो कभी रवि से बात भी नहीं करती थी, लेकिन ये सब के बावजूद भी रवि ती को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए दोनों को अलग करने के लिए मैंने ये प्लानिंग की। तुमने इतना कुछ कर दिया, मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो। मैं तुम्हें पाना चाहता था निकिता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पायल को नीचा दिखा कर उसको बदनाम करके तुम्हें पाऊं। रवि, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया। क्या किया मेरे लिए तुमने? क्या किया, किसके साथ किया, भूल गई तुम? मुझे नहीं पता था बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। सच में नहीं जानती थी खोने का दुख मुझे भी है। अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी इस बेवकूफी हरकतों की वजह से पायल की जान चली गई? मैं नहीं जानती थी, तो मैं सोचा कि ती और विनोद का अफेयर दिखाकर तुम्हें डिवोर्स की वजह दे सकूं। अभी इस बात का कोई फायदा नहीं है। ओके मिस्टर, अभी ठीक कह रहे हो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। यही मैंने क्या कर दिया, पायल को बिना वजह जान से मार दिया। तुमने पायल को मारा? पायल को तुमने मार दिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर रवि शांत हो जाइए, ये पुलिस स्टेशन है। कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं इंस्पेक्टर साहब? इसने मेरी बीबी का मर्डर किया और आप कहते हैं कि शांत हो जाइए? दूध के धुले तो आप भी नहीं है, चुपचाप खड़े रहिए। अब सच तो सबके सामने आ ही चुका है, और मिस्टर विनोद, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। लेके जाओ इसे।